हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एम्पीसिलिन टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे हार्ड एंटीबायोटिक रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका जेनरिक नाम क्या है। इसका जेनरिक नाम एम्पीसिलिन ही है। ड्रग क्लास एक पेनिसिलिन्स का है, जो एमिनो में आता है। आज हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे यूज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंट्रेक्शन और वार्निंग एंड प्रिकॉशन के बारे में। तो जानेंगे कि सबसे पहले कि व्हाट इज एम्पीसिलिन और ये काम किसे करता है, हाउ डज इट वर्क। एम्पीसिलिन इज ए प्रिस्क्रिप्शन पेनिसिलिन टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया सच एज ईयर इन्फेक्शन, ब्लडर इन्फेक्शन, निमोनिया, गोनोरवा, ई कोली और साल्मोनेला इन्फेक्शन इटीसी। एम्पीसिलिन एक ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शन को रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए जैसे करते हैं, जैसे कि ब्लैडर इन्फेक्शन, निमोनिया, गोनोरोवा, ई कोली, साल्मोनेला इन्फेक्शन इटीसी। एम्पीसिलिन को बहुत ब्रांड नामों में अवेलेबल है, जैसे कि एमपी, ओमपी पेन, पेनोग्लोब एंड प्रिंसी पेन इटीसी। अब जानेंगे व्हाट इज़ द डोज ऑफ एम्पीसिलिन। कैप्सूल 250 mg और 500 mg, ओरल सस्पेंशन में 125 mg बाय 5 और 250 mg बाय 5, पाउडर फॉर इन्फेक्शन इंजेक्शन में 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम और 10 ग्राम। डोजिंग कंसंट्रेशन एडल्ट के लिए 250 से 500 एवरी 6 घंटा में, पेडिक्स बच्चे के लिए 400 mg पर kg इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलरली डिवाइडेड एवरी 6 आवर। ठीक है, अब जानेंगे कि इसका गेस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर किन्हीं को गेस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट है तो उसमें एडल्ट 500 mg इंट्रावेनसली 6 घंटा के अनुपात में लेना चाहिए। अगर वो बच्चे हैं तो उसको 20 kg, अगर 20 kg है तो 50 से 100 mg पर kg के हिसाब से डिवाइड करके देना चाहिए। अगर बच्चा है तो 20 kg 500 mg ओरली एवरी 6 घंटा में देना चाहिए। अगर गोनोरवा है तो एडल्ट 3.5 ग्राम इंट्रावेनसली लेना चाहिए या 1 ग्राम प्रोबिना सेट के साथ। पेडिट्स है तो 20 kg से बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। एडल्ट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एडल्ट 250 mg इंट्रावेनसली एवरी 6 घंटे में ले सकते हैं। बच्चे के लिए है अगर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है तो 150 से 200 mg पर kg के हिसाब से 6 से 8 घंटा के अंतर में लेना चाहिए। जैसे बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो उस कंडीशन में, या न्यूट्रल प्रोलाइसिस या इंट्रावेनसली इंसुलिन फ्लोड बाय, इसको 4-4 घंटे में लेना चाहिए। लिस्टेनिल फंक्शन है या क्लोरा है तो 2 ग्राम इंट्रावेनसली एवरी 4 घंटा में लेना चाहिए। अगर बच्चा है तो 50 mg के हिसाब से 6-6 घंटा में डिवाइड करके देना चाहिए। डोजिंग मॉडिफिकेशन में रेनल इंपेयरमेंट, क्रिएटिन क्लियरेंस लेस देन 10 ml, क्रिएटिन क्लियरेंस 50 से 15 ml है तो 6 से 12 घंटा में लेना चाहिए, और क्रिएटिन क्लियरेंस 50 ml पर मिनट है तो 6 घंटा में लेना चाहिए। हेपेटिक इंपेयरमेंट है, इसको अच्छा स्टडी नहीं किया गया। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेडनेस एंड पीलिंग ऑफ द स्किन, रेस, हाइप्स, बुखार, सीजर, ब्लैक हेरी टंग, डायरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ जीव, नोजिया, ईस्ट एंड माउथ, ओरल इन्फेक्शन इटीसी, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, वोमिटिंग, लो वाइट ब्लड सेल काउंट, एनीमिया, लो रेड ब्लड सेल काउंट, एनीमिया, हाई वाइट ब्लड सेल काउंट,
इसोफेनेलिया, रिडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल ल्यूकोमिया का कम होना, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, नोजी ब्रेथिंग हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन, हेड एक, वेजिनल इचिंग, डार्क यूरिन, ईजी ब्रशिंग एंड ब्लीडिंग, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। सीरियस इंट्रेक्शन ऑफ एम्पिसिलिन बीसीजी की वैक्सीन के साथ सीरियस होता है, क्लोरिया वैक्सीन, डेमोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आईमैक्साइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, माइक्नोसाइक्लिन, ऑक्सीटासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टाइफाइड वैक्सीन, लाइव इत्यादि के साथ इसके बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। एम्पिसिलिन हाई मॉडरेट 29 ड्रग जिसके एलोप्यूरिनोल, एटेनोलोल, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोराफेनिकोल, क्लोराथायजेट, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोपोल, डाइक्लोइथानोडोपोन इत्यादि, ये इसके बहुत गहरे साइड इफेक्ट, बहुत गहरा इंटरेक्शन करता है, इससे इंसान की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।